हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने जो है इस स्वेटर के बारे में पूछा था, जिसका मैंने डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो शूट नहीं किया था। सिर्फ इसका मैंने शॉर्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि इसे बनाना सिखाइए। तो बहुत आसान पैटर्न है और टॉप डाउन ये कार्डिगन मैंने बनाया है ये नेक योक बनाने के बाद। और इसमें देखिए, ये दो कलर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। कलर्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक है वो मैंने दूसरे कलर से बनाया है, तो आप जो है सेम कलर से बना सकते हैं जिस कलर में मैंने ये वाला बनाया है नेक योक। तो ये आप आपकी चॉइस है। अब आप इसमें से देख के आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और ये पैटर्न जो है वो देखिए रिपीट पैटर्न है। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार टोटल बनाया है। और ये 8 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। और ये रेगलॉन इंक्रीज जो है वी शेप में आता है, और ये बहुत आसान और सुंदर दिखने वाला टॉप डाउन नेक योक का डिज़ाइन है। और यहाँ पे आप इसे जो है साइज़ में छोटा या बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो साइज़ मैंने बनाया है ये 1 से 2 साल के बच्चों का है। आप इसे अगर और 1 से 2 साल के बच्चों के लिए, देखिए मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बनाया है। अगर आपको ये न्यूबॉर्न में बनाना है तो आप 3 बार इस पैटर्न को बनाइए। 1 साल तक बनाना है तो आप इसे जो है 4 बार बना सकते हैं। और 1 से 2 के लिए जो है ये साइज़ है। इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी 8 सिलाई के पैटर्न को आप रिपीट कर सकते हैं एक बार। और उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं 4-5 साल के लिए, तो आप इसे जो है 8 बार जो है इस पैटर्न को बना सकते हैं। उसके बाद फंदे जो हैं डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो है मैंने 2-2 फंदे रखे हुए हैं, जिसके आसपास हर बार फंदे बढ़ाए हैं। तो उन्हीं में से एक फंदा जो है हम एक साइड ले लेंगे, दूसरा दूसरी साइड ले लेंगे, और ऐसा ही हर कोने में कर लेंगे। 4 कोने होते हैं, देखिए चारों में सेम। तो इसमें आपको फंदे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से शुरू करना है वो सीख लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको इसे रीसाइज कैसे करना है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए, वो आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए, मैंने ये स्लीव्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए हैं। दोनों स्लीव्स 2-2 सिलाइयाँ जो हैं दोनों कलर से बनाई हैं, और इस तरीके से स्लीव्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। और नेक योक पूरा होने के बाद ये फ्रंट और बैक जो है मैंने इकट्ठा नहीं बनाया। यहाँ पे आप सिलाई देख सकते हैं, आप इकट्ठा भी बना सकते हैं। और 2 सिलाइयों पर ये आसानी से बन सकता है। सर्कुलर नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट के दोनों अलग अलग बनाए हैं, फ्रंट का बैक जो है वो भी अलग से बनाया है। तो स्टॉकिनेट स्टिचेस में सीधे पर सीधा सीधा और उल्टे पर उल्टा उल्टा बनाया है। फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस पर टेडी फेसेस लगा सकते हैं, पॉकेट लगा सकते हैं। पॉकेट के यहाँ पे मैंने 20x22 फंदे पिक किए हैं, और उसको फिर इस तरीके से बनाने के बाद साइड में सुई से सिलाई किया है। और एक साइड जो है मैंने ये 2 टेडी फेसेस बनाए हैं जो बहुत क्यूट बने हैं। अगर आपको ऐसे बनाने हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या इसके नीचे आपको कोई पैटर्न डिज़ाइन जो आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि इस तरीके से जो है मैंने ये बना लिया है पहले ही, तो आज जो है मैं आपको यहाँ से यहाँ नेक योक बनाना बताऊंगी। और उसके नीचे जो है पैटर्न में जो है वो 2 कलर के पैटर्न में ही जो है नीचे मैं आपको स्लीव्स और ये फ्रंट और बैक के पोर्शन बनाना बता रही हूँ। तो फ्रंट ओपन कार्डिगन बनी है, देखिए इसमें जो है ये मैंने जो ये बॉर्डर बनाया है, ये अगर आपको बनाना है सेम इस तरीके से तो इसके लिए मेरे चैनल पर जो है आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। अब क्योंकि मैं ऐसा बना चुकी हूँ, थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं बॉर्डर जो है इस तरीके से बना रही हूँ। डबल फंदे कास्ट ऑन करने के बाद जो है दोनों साइड से सीधा सीधा बनाया है मैंने। गार्टर स्टिचेस में 4 लाइन्स इस तरीके से बना ली हैं, और 8 सिलाइयों में ये पैटर्न बनाया है। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। और उसके बाद जो है हमने सिंपली अब जो है फंदों को डिवाइड करना है, कहाँ पे हमने फ्रंट के 2 पार्ट शुरू करने हैं, कितने पर स्लीव्स शुरू करना है, बैक कितने पर करना है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। अब कास्ट ऑन कितने फंदे करने हैं ये भी देख लीजिए।
तो यहाँ पे जो फंदे मैंने कास्ट ऑन करे हैं ये हैं 83 स्टिचेस। आप इसे जो है 12 नंबर की सिलाइयों पर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई पर ही सारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और ये वूल जो है मैंने जो 3-ply वूल होती है वो ली हुई है, बेबी वूल है ये, सॉरी बेबी सॉफ्ट वूल है। और ये जो है 10 नंबर की सिलाई पर बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए फंदे किस तरीके से डिवाइड करने हैं ये आप देख लीजिए। तो ये फ्रंट में मैं जो है सात फंदे जो है दोनों साइड पट्टी के चलाऊंगी। तो पट्टी के फंदे मैंने अलग नहीं किए हैं, फ्रंट के पार्ट्स में ही रखे हैं। तो पट्टी के फंदों को मिला के जो है फ्रंट में मैंने रखे हैं 14 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 फंदे जो है फ्रंट के निकाल दिए। अब जहाँ पे हम रेगलॉन इंक्रीज करेंगे वहाँ पे हम 2 फंदे रख लेंगे। तो देखिए 14 फंदों के बाद मार्कर लगा दीजिए। मार्कर नहीं है, आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको क्लियर रहेगा और मुझे भी ये समझाने में ईजी रहेगा, इसलिए मार्कर का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे 14 फंदों के बाद जो है मार्कर लगाने के बाद 2 फंदे रखे हैं, उसके बाद मार्कर लगाया है। उसके बाद यहाँ पे हमने बाजू के फंदे निकाले हैं। तो ये कितने फंदे हैं, ये 13 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 ठीक है। उसके बाद मार्कर लगा लिया है, 2 फंदे रखे हैं, फिर मार्कर लगा लिया है। अब ये बैक के फंदे हैं, तो ये है पूरे 21 फंदे लगाने के रखने के बाद मार्कर, फिर 2 फंदे, फिर मार्कर, इन्हीं जो 2-2 फंदे रखे चारों तरफ इन्हीं के आसपास जो है जाली डाल के हम जो है रेगलॉन इंक्रीज करेंगे। फिर स्लीव्स के फंदे हैं 13, फिर मार्कर 2 फंदे हैं, फिर मार्कर है, फिर ये फ्रंट के फंदे हैं 14, जिसमें से एंड के 7 स्टिचेस जो हैं वो बॉर्डर के चलेंगे। और ये जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ जो है ये मैंने शुरू की हुई है ये एज। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, इस वीडियो में भी आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए रो वन जो है वो रेगलॉन इंक्रीज की किस तरीके से शुरू करेंगे। तो आप 8 सिलाइयां जो है वो ध्यान से देख लीजिए। तो 8 सिलाइयों के बाद, या 8 सिलाइयां मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, रो वन देखिए रेगलॉन इंक्रीज की। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम रो को शुरू करेंगे तो 2 का 1 करेंगे ऐसे सिलाई डालते हुए। ये एज को स्मूथ करने के लिए है, हर सिलाई के शुरू में हम 2 का 1 ऐसे करेंगे और 1 जाली डाल देंगे। उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हमारे पास 7 फंदे जो है इस तरीके से आगे हैं। तो ये जो शुरू के 2 फंदे हैं 2 का 1 करने के बाद जाली और उसके बाद 5 सीधे, तो ये सीधी साइड से सीधे सीधे, उल्टी साइड से भी सीधे सीधे बनाने, दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बनाने हैं। तो उसके बाद देखिए 7 फंदे ये आगे आएंगे, ये हमने सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब देखिए मार्कर आ गया, मार्कर से पहले हम जाली डाल लेंगे, 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और ये मार्कर को कर लेंगे ऐसे शिफ्ट। उसके बाद 2 फंदे जो ये हैं ये सीधे सीधे ही बुनेंगे, हर बार हमने सीधे ही बुनना है, 1, 2 मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, 1 जाली डालेंगे इस साइड भी और ये 13 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे बाजू वाले। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पर भी जाली डाल लेंगे, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर ये बैक के फंदे आ जाते हैं 21 फंदे।
उसके बाद जाली मार्कर, दो सीधे मार्कर, एक जाली, फिर बाजू के 13 फंदे आएंगे, सीधे बुन लेंगे। ये चौथा हमारा कोना आ जाता है, यहाँ पे जाली डालेंगे, मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, दो सीधे मार्कर, यहाँ पे जाली, 7 फंदे सीधे, 7 के बाद बॉर्डर के 5 फंदे जो है वो भी सीधे बुन लेंगे ऐसे, और इसके बाद लास्ट में जो है धागा अपनी ओर कर लेंगे, 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं। तो हर बार जो है इसी तरीके से सिलाई के एंड पर हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप एक बटन होल देख रहे होंगे, ये मैंने जो है वो बना लिया था बॉर्डर जब बनाया था उसमें, तो ये आप याद से बना लीजिए। अगर आपने बटन जो है थोड़े से मीडियम साइज़ या बड़े लगाने हैं तो आपको बटन होल क्रिएट करना ज़रूरी है, और अगर छोटे बटन लगाने हैं तो आप यूं भी जो है धागे को पुल करके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे बटन होल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए आप रॉन्ग साइड पे 2 का एक करेंगे, हर सिलाई के शुरू में 2 का एक और जाली करेंगे एज को स्मूथ बनाने के लिए, बॉर्डर के बचे 5 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे, तो ये ऐसे 7 फंदे आ जाएंगे। अब उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है ये, तो अब हम ये सारी साइड जो है सारे फंदे जो है बीच के बॉर्डर के बीच के वो उल्टे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो अब जो लास्ट के 7 फंदे हैं उसमें से शुरू के 5 फंदे सीधे बुनने हैं और एंड के 2 फंदे धागे को अपनी ओर करके स्लिप करने हैं। तो ये रो 2 हम ऐसे बना लेंगे। तो अब ये तीसरी सिलाई पर आ जाते हैं हम। तो अब देखिए ये फ्रंट साइड पे, अब देखिए क्योंकि हमारा मेन काम जो है वो यहाँ जो 4 कोने हैं यहीं पे है और बहुत आसान है, इसलिए मैं सिर्फ 2 जगह पर आपको बताऊंगी, बाकी 2 जगह पर आपने सेम उसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। अब 2 का एक करने के बाद हम जाली डाल लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, और अब देखिए 7 फंदे सीधे, 7 हमने ये जो फंदा है जाली से बना उससे पहले हमने जो है वो ये डालनी है जाली, और इस फंदे को हम बुनेंगे सीधा, मार्कर ऐसे ही शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, मार्कर को शिफ्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डाल लेंगे, उसके बाद 13 फंदे सीधे, और यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट, एक सीधा, और यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ा लेंगे, बीच के फंदे सीधे बुनते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमने जो है वो अब चारों तरफ रेगुलर इंक्रीज को कंटिन्यू करके फंदों को बढ़ाना है। सेम उसी तरीके से रो 2 की तरह हमने पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। तो अब ये 2 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, अब 5वीं सिलाई है। देखिए तो यहाँ पर मैंने ये 14 फंदे बुन लिए हैं, 7 बॉर्डर के और 7 सीधे। अब देखिए 5वीं सिलाई 5th रो पे, यहाँ पे हमने इस तरीके से देखिए ये वी बनाते हुए जो है वो जाली डालते जाना है। तो यहाँ पे ये 2 फंदे पहले जो है जाली डालनी है और ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं जो हमने जाली से बढ़ाए हैं, मार्कर को शिफ्ट करना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं बीच वाले, मार्कर को शिफ्ट करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे जो जाली से बने हैं इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम तीसरी जाली डालेंगे, उसके बाद ये हमारे बाजू वाले फंदे 13 फंदे आ जाते हैं सीधे सीधे, इन्हें बुन लेंगे, उसके बाद 2 फंदे पहले हमने ये जाली डालनी है,
दो फंदे जाली से बड़े हुए सीधे बुनने हैं, मार्कर शिफ्ट दो फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट दो फंदे जाली से बने हुए वो बुनने हैं सीधे, फिर यहाँ पे जाली डाल के हमने अब ये बैक के फंदे बुनने हैं सीधे। और जैसे हमने यहाँ दो जगह फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही यहाँ पे भी बढ़ाने हैं, सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम रॉन्ग साइड की सिलाई पूरी बीच में जो है बॉर्डर के बीच में उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए छह सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से तीन तीन जालियाँ क्रिएट हो जाती हैं ये वी शेप में। और अब जो है हम सातवीं सिलाई बनाएंगे, और सातवीं सिलाई थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए कैसे बॉर्डर के पहले सात फंदे हम बुन लेंगे, दो का एक करके जाली, फिर पांच सीधे, ऐसे। इसके बाद देखिए धागा हम अपनी ओर कर लेंगे, यहाँ पे सात फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब यहाँ पे हम डालेंगे जाली, तो अब आगे वाला फंदा हमने सीधा बुनना है इसलिए पहले ऐसे करेंगे, पीछे करेंगे, फिर एक और बार घुमाएंगे और आगे तीन फंदे जो जाली से बने हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, दो फंदे बीच के हमने सीधे बुनने हैं, मार्कर शिफ्ट तीन फंदे सीधे, यहाँ पे डालेंगे जाली, ऐसे धागा आगे करके एक और बार ऐसे घुमा लेंगे, और आगे ये जो बाजू वाले 13 फंदे हैं ये हम उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद एक फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, मार्कर शिफ्ट दो सीधे, मार्कर शिफ्ट तीन सीधे, मार्कर शिफ्ट यहाँ पे जाली ऐसे, और आगे ये बैक के फंदे हैं ये हम 21 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये इस तरीके से हम जो है करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हिस्से हैं उनके बीच में जो दो जालियाँ डली हैं उनके बीच के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, और जो रेगुलर इंक्रीज के बीच के फंदे हैं वो हमने सीधे ही बुनने हैं। तो ये सिलाई हम इस तरीके से पूरी कर लेंगे, और रॉन्ग साइड पर जो है हम उल्टी सिलाई बना लेंगे पूरी। तो इस तरीके से 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होंगी। तो ये दो सिलाइयाँ पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब देखिए इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने रिपीट करना है। तो जो रिपीट करेंगे तो हमारी जाली जो है इन्हीं दो फंदों के जो है मार्कर के आसपास से जालियां पड़नी शुरू होंगी। और हमारे जब जालियां हम डालेंगे तो आप देखेंगे पहले हम यहाँ पे जितने फंदे बुन रहे थे उससे यहाँ पे 4 फंदे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 4 फंदे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो ये बीच के फंदे बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे रिपीट जो है वो शुरू करके बताती हूँ, बाकी ये बहुत इजी है और आप समझ चुके होंगे इस पैटर्न को। रेगुलर इंक्रीज के बॉर्डर के फंदे बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है पहले 7 फंदे हम बुनते आ रहे थे सीधे, अब कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 7 और प्लस 4, 4 फंदे बढ़े तो 11 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे मार्कर से पहले जाली डाल देंगे, मार्कर को शिफ्ट कर देंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, मार्कर शिफ्ट करने के बाद जाली डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 फंदे हम बुनते आ रहे थे, अब 8 हो जाएंगे, 4 यहाँ के 4 यहाँ के, 19 फंदे आ जाएंगे, तो ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे। और सिर्फ सातवीं सिलाई पर हमने जो है ये फंदे उल्टे बुनने हैं फ्रंट साइड पे। तो आई होप ये पैटर्न जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे और रिपीट करते जाएंगे ऐसे ही 8 सिलाइयों को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चों के लिए ये स्वेटर बनाया है, तो इस पर मैंने ये 8 सिलाइयाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 बार बनाई हैं। तो पूरी 6 बार, क्योंकि मैं इसी एज ग्रुप के लिए बना रही हूँ तो मैं भी इतनी ही बार जो है वो
बना लेती हूँ ये नेक योक। तो ये देखिए ये जो है नेक योक जो है मेरा बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये 8 सिलाइयाँ जो है हम 6 बार रिपीट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की हैं इस तरीके से। तो ये टोटल सिलाइयाँ जो हैं देखो ये 48 + 8 56 हमारी यहाँ से यहाँ टोटल सिलाइयाँ बनती हैं। और अब इसकी जो मेजरमेंट है वो भी बता देती हूँ। इस तरीके से हम अगर बटन बैंड के ऊपर रखेंगे इंच टेप, तो ये इस तरीके से हमारे पास लगभग 5.5 इंचेस की आ जाती है लेंथ। और जहाँ पे हमने रेगुलर इंक्रीज़ किया है वहाँ पे हम अगर इंच टेप को रखेंगे तो वहाँ पे जो है ये इस तरीके से लगभग 7 इंच जो है इसकी लेंथ आ जाती है। अब फंदे जो हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने स्लीव के फंदे अलग कर दिए हैं, बैक के अलग कर दिए हैं और ये फ्रंट के अलग रखे हैं। और अब इन्हें आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं, पहले स्लीव्स बना सकते हैं फिर बैक और फ्रंट पार्ट बना सकते हैं। बैक और फ्रंट जो है आप इकट्ठा बना सकते हैं, अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना सकते हैं। और अब जो है मैं यहाँ पे देखिए ये धागा हमने रॉन्ग साइड पे ख़त्म किया है, तो अब यहाँ पे जो है दूसरा वूल लगा रही हूँ ये वाला। इससे जो है मैं अब इन दोनों कलर को मिक्स करके जो है वो एक पैटर्न बनाऊँगी। तो पहले मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ, फिर आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे फंदे देखिए मैंने जो ये अलग किए हैं, तो फ्रंट में जो है हमारे पास 39 स्टिचेस आ जाते हैं। तो आई होप आपके भी इतने ही आएंगे अगर आपने इतने ही फंदों पर सेम पैटर्न में शुरू किया है। स्लीव्स पे 63 आ जाते हैं और बैक पर 71 फंदे आ जाते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने स्लीव्स इस तरीके से बनाए हैं और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो हैं मैंने साथ में बनाए हैं। और ये देखिए दो कलर में बहुत ही प्यारा जो है कलर कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ है। तो ये दो कलर्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही परफेक्ट जाते हैं। और अब ये कॉम्बिनेशन जो है दो कलर में मेरा फेवरेट बन गया है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो अब देखिए इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्लीव्स जो है 63 स्टिचेस, फंदे जो है दोनों तरफ मैंने इस तरीके से सीधी साइड से सीधे सीधे और उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बुन के ये देखिए कितनी लाइंस बनाई है। तो पहले जो दो लाइंस है वो मैंने बीज कलर से ही बनाई है, इसी कलर से जिससे मेरा नेक योक बना था उससे शुरू किया। फिर उसके नेक्स्ट जो है मैंने ये दूसरा कलर लगाया है। तो कितनी लाइंस बनती हैं टोटल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35। तो ये लगभग 35 लाइंस जो हैं ये बनी हैं और इसको डबल करेंगे तो ये 70 लाइंस में जो है बाजू यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक एंड होता है। उसके बाद 8 रोज हमने और बनाई है बॉर्डर की, फ्रंट साइड से बॉर्डर शुरू किया है गार्टर स्टिचेस में 8 लाइंस का। तो आप देखिए बॉर्डर बनाने से पहले जो फंदे हैं वो हम डिक्रीज कर लेंगे। पहले हमने जो है 63 के 63 फंदे जो हैं यहाँ तक इस तरीके से बनाए हैं और अब जो है हमने ठीक बॉर्डर से पहले फ्रंट साइड जो है फंदों को डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे लास्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी जिस तरीके से मैंने ठीक बॉर्डर से पहले बाजू के फंदे डिक्रीज किए हैं वैसे ही यहाँ करने हैं। तो यहाँ पे 63 से 42 फंदे रह जाते हैं और सीधे बुनते हुए हमने फंदों को जो है डिक्रीज किया है। उसके बाद दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना और फिर लास्ट में जो है फ्रंट साइड से सारे फंदे जो है मैंने इस तरीके से बंद कर दिए हैं। तो ये क्योंकि हर बार मैं बताती हूँ इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको करके नहीं बताया है, वर्बली ही बता रही हूँ। तो ये दोनों स्लीव्स जो हैं वो मेरे इस तरीके से कंप्लीट होते हैं 70 + 8 लाइंस में नेक योक को बनाने के बाद। और अब देखिए ये जो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक जो है ये बनाया है, ये इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा खुलने वाला फ्लेयर्ड डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया है। तो इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से बनाना है।
तो जब आप बटन होल्स बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ठीक इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर बटन होल आप क्रिएट करते जाइए। मैंने 10 10 गार्टर स्टिचेस की लाइंस के बाद जो है ये बटन होल्स को जो है वो क्रिएट करा है। तो इस तरीके से 7 मेरे बटन इसमें लगने हैं टोटल। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 39 स्टिचेस थे, 39 यहाँ पे थे, बैक पर हमारे पास 71 स्टिचेस थे, तो टोटल हमारे पास जो है वो हो जाते हैं 149 स्टिचेस, 149 फंदे हमारे पास टोटल थे जब हमने ये नेक योक कंप्लीट किया है। उसके बाद इकट्ठा सिलाई में लेंगे तो ये हमारे पास 149 स्टिचेस जो हैं वो फ्रंट और बैक के कंप्लीट होते हैं। तो पहली सिलाई तो देखिए जी, इसी कलर से मैंने बनाया है, सीधी साइड से सीधा और सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा, दो सिलाइयाँ इसी जो है कलर से मैंने बनाया है। उसके बाद जो है दूसरा कलर मैंने लगाया है, जैसे कि स्लीव्स भी मैंने जो है बीज कलर से ही शुरू की थी, वैसे ही यहाँ पे दो सिलाइयाँ जो है मैंने इसी बीज कलर की बनाई है। और उसके बाद जो है डिज़ाइन शुरू किया है, और ये डिज़ाइन जो है वो 8 के मल्टीपल प्लस 3 स्टिचेस, 8+8+8 और एंड में 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस पर ये जो है एडजस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है 4 फंदे एक्स्ट्रा थे, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे रखने के बाद उन्हें मैंने सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही चलाया है। तो 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस जो है मैंने वो इस तरीके से एडजस्ट इसमें किए हैं। तो फंदों को घटाया बढ़ाया नहीं है, फ्लेयर्ड डिज़ाइन है और टॉप डाउन में बहुत परफेक्ट ये बनता है। इस पैटर्न में मैंने पहले भी बहुत सारे बेबी कार्डिगन्स बनाए हैं, सारे के सारे परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए, तो 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है, फ्रंट साइड से ही बनाना हम शुरू करेंगे और रॉन्ग साइड हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये इस तरीके से वेव की तरह पैटर्न बनता है, लहरिया डिज़ाइन बनता है, हल्का सा जाली वाला डिज़ाइन ये बनता है। तो इसे जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बनाने के बाद मैंने जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ये बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड से सारे फंदे मैंने ये इकट्ठा बंद कर दिए हैं। तो अब ये मैं बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपने इन्हीं स्टिचेस पर जितने मैंने यहाँ पे लिए हैं सेम ऐसा बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए। और इस डिज़ाइन की जो है मैंने अलग से वीडियो भी अपने चैनल पर शेयर करी हुई है। तो अब जैसे यहाँ पे शुरू किया है वैसे ही बताऊँगी। देखिए 4 फंदे एक्स्ट्रा थे मेरे पास पट्टी के, जो 149 में से जो बटन पट्टी है, बटन बैंड है, दोनों तरफ 7-7 फंदे रखे हुए थे। 7+7 14 फंदों को निकालने के बाद हमारे पास 135 टोटल स्टिचेस आते हैं बीच में, जिनमें से 131 पर ये जो है पैटर्न एडजस्ट होता है। तो 4 फंदे जो है 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं सीधे सीधे, ये बुना है। तो कि जिस तरीके से यहाँ पे बुना है वैसे ही हम यहाँ पे बुनेंगे। तो ये कैसे बुना है तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जब नेक योक कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद जो है मैंने सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए दो सिलाइयाँ जो है इसी कलर से, बीच कलर से ही, जिस कलर से नेक योक बनाया है उसी से मैंने कंप्लीट की है। तो दो सिलाइयाँ हम इस तरीके से बनाएंगे, सीधी साइड से सीधी सीधी, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। तो फ्रेंड्स दो फाउंडेशन रोज जो हैं वो मैंने बना ली हैं, और फ्रंट साइड पर अब जो है हम दूसरे कलर को यहाँ पे लगा लेंगे। आप यहाँ पे पक्का इसको बांध लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद रो 1 हम बनाएंगे कलर 2 से, दूसरे कलर से। तो अब देखिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने 2 फंदे यहाँ, 4 एक्स्ट्रा फंदों में से 2 फंदे यहाँ रखने हैं, 2 यहाँ पे रखने हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ जैसे मैंने इस कार्डिगन में बनाया है। अदरवाइज़ आप शुरू के 2 फंदे, शुरू के 3 फंदे और लास्ट का 1 फंदा जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3 फंदे जो है हम इस तरीके से बुनेंगे, शुरू के रो 1 पे ऐसे बुने हैं, उसके बाद 2 का 1 किया है ऐसे बैक लूप से,
आप देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा सीधा और ये छठी जाली। तो छह जालियां इस तरीके से हम डालेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है तीन का एक ऐसे। तो ये तीन का एक कर लिया है। अब देखिए हमने शुरू के ये जो फंदे हैं ये चार फंदे ये जो है छोड़ दीजिए। अब यहाँ से यहाँ ये जो हमारे फंदे बनते हैं देखिए, दो चार छः आठ दस बारह, ये फंदे हमने बारह फंदे जो हैं रिपीट करते जाना है। अब देखिए जालियों से जो है हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करना है, एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा सीधा और छठी जाली और उसके बाद तीन का एक ऐसे ऐसे। तो ये बारह फंदे मैंने रिपीट कर लिए हैं। अब एंड में देखिए दो चार छः आठ दस फंदे ये किस तरीके से बनाने हैं। तो सेम, पहले तो एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली, चौथा फंदा सीधा, पांचवी जाली, पांचवा फंदा, छठी जाली। यहाँ पे हमने जो है तीन का एक करना, सॉरी तीन का एक नहीं करना है, दो का एक करना है बैक लूप से ऐसे। और एंड में जो तीन फंदे रखे हैं हमने वो तीनों सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो है यहाँ पे एज पर हमारा कोई फंदा नहीं है क्योंकि स्वेटर में जो है वो हमने दोनों साइड जो है बटन बैंड रखा है। तो ये अब जो है मैंने क्योंकि बीच में फंदे नहीं बुने इसलिए मैं ये वाले फंदे जो साइड में हैं यहाँ पे सैंपल पे ये बुनती जाऊँगी। तो सेकेंड रो रॉन्ग साइड पे, यहाँ पे हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुन लेने हैं। तो यहाँ पे फंदे जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो खुलने वाला बनता है। और अगर आप इस तरीके से टॉप डाउन फ्रॉक कार्डिगन बना रहे हैं या आप बॉटम अप मतलब कि नीचे से शुरू होने वाला कोई कार्डिगन बनाना चाहते हैं लड़कियों के लिए तो वो आप बना सकते हैं इस पैटर्न के साथ। तो ये लाइन जो है मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। अब हम बनाएंगे रो थ्री। उसके लिए देखिए जो साइड में हमने फंदे रखे हैं वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमने यहाँ पे रखे थे तो वो हम बुन लेंगे। उसके बाद दो का एक कर लेंगे ऐसे। तो अब देखिए चार फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से हमारा जो है रिपीट पैटर्न जो है वो शुरू होता है। फंदे जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, वापस उतने ही आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमने पहले नौ फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ के बाद देखिए यहाँ पे हमने तीन का एक करना है ऐसे। तो अब शुरू के चार फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये देखिए फंदे दो चार छः आठ दस, बारह से दस रह गए हैं। ये दस फंदे हम रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और करेंगे यहाँ पे तीन का एक ऐसे। अब एंड में देखिए इसके बाद दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे रह जाएंगे। अब हमने यहाँ क्या करना है, पहले नौ फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। उसके बाद यहाँ पे हमने दो का एक करना है
तीन फंदे पहले, और ये जो तीन फंदे हैं ये हमने सीधे बुनने हैं। अगर आपने जो है मेरी तरह सेम प्रोजेक्ट शुरू किया है तब आपके शुरू में ये तीन और शुरू में और एंड में तीन तीन फंदे चलेंगे, अदरवाइज आपको तीन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब रॉन्ग साइड पे रो फोर हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे रो फाइव, पांचवी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए छः छः सिलाइयों का डिज़ाइन है और जो दोनों वूल है उससे हम छः छः सिलाई बनाएंगे। तो फिर से तीन फंदे सीधे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे दो का एक, तो ये चार फंदे छोड़ देंगे। अब देखिए सात फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तीन का एक ऐसे। तो ये देखिए शुरू के चार फंदे छोड़ दीजिए, दो चार छः आठ, आठ फंदे, देखिए आठ के अब आठ फंदे आ गए हैं। तो ये आठ फंदे जो है हमने करने हैं रिपीट, पहले सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर तीन का एक बैक लूप से, फिर देखिए एंड में जो है दो चार छः आठ दस बारह फंदे, पहले पहले सात फंदे हमने सीधे बुनने हैं, चार पाँच छ सात, उसके बाद दो का एक बैक लूप से, फिर एंड में तीन फंदे सीधे। तो रो सिक्स हम पूरी उल्टी बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो ये छः सिलाइयाँ जो है वो ही रिपीट करते जाएंगे हम। देखिए जो हमारी रो वन बनेगी उसकी वजह से हमारा जो बेस है वो इस तरीके से वेवी बनेगा और बहुत प्यारा जाता है ये दो कलर्स में। तो इसके बाद यही छः सेम सिलाइयाँ हैं, जब भी हम शुरू करेंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे जैसे यहाँ पे शुरू किया है सेम, सिर्फ कलर चेंज होंगे। तो ज़रा समय यहाँ पे आपको करके बताती हूँ जब हम रिपीट करेंगे दूसरे कलर से। तो यहाँ पे पहले तीन फंदे सीधे, उसके बाद दो का एक बैक लूप से, ये देखिए, उसके बाद देखिए जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली तीसरा फंदा सीधा, चौथा जाली चौथी जाली चौथा फंदा सीधा, चौथी पांचवी जाली पांचवा फंदा सीधा, और छठी जाली, उसके बाद तीन का एक। सिर्फ जालियां हमारी से हर छठी सिलाई पर ही पड़ेगी, हर सिलाई पर नहीं पड़ेगी। शुरू के चार फंदे छोड़ देंगे तो ये बारह फंदे जो हैं हम करेंगे रिपीट, दो चार छः आठ दस बारह। तो क्या करेंगे, एक जाली एक सीधा, दूसरी जाली दूसरा सीधा, तीसरी जाली तीसरा सीधा, चौथी जाली चौथा सीधा, पांचवी जाली पांचवा सीधा, और ये छठी जाली, उसके बाद तीन का एक, तीन का एक करेंगे, और एंड में देखिए दो चार छः आठ दस फंदे पहले जो है हम ऐसे करेंगे, एक जाली एक सीधा, दूसरी जाली दूसरा सीधा, तीसरी जाली तीसरा सीधा, चौथी जाली चौथा सीधा, पांचवी जाली पांचवा सीधा, और ये छठी जाली, उसके बाद दो का एक बैक लूप से, और एंड वाले तीन फंदे सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो सेम वही रोज़ हैं इसलिए ये वाला मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे हर छः छः सिलाई दोनों कलर के वूल से। और तो अगर आप ये पहली बार ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप ये जो है बिल्कुल गिन के बनाइएगा जालियाँ, क्योंकि कई बार जो है एक जाली कम पड़ जा बन जाती है बिगनर से, या एक जाली ज़्यादा बन जाती है। तो ज़्यादा या कम अगर आप जालियाँ बनाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो ऊपर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको ये पूरा जो है उधेड़ना पड़ सकता है। तो आप ये गिन गिन के ही जो है कुछ बार जो है इसे रिपीट कीजिए। और ये देखिए तो ये डिज़ाइन जो है वो
बड़ा ही प्यारा बनता जाएगा। और अगर देखिए यहाँ पे आप कास्ट ऑफ, यहाँ पे आप इस बॉर्डर की जगह कोई फ्रिल बनाना चाहते हैं, फ्रिल से भी बहुत सुंदर जो है कार्डिगन्स, टॉप डाउन कार्डिगन्स बनती हैं, फ्रॉक की तरह बनती हैं, लड़कियों के लिए स्पेशल बनाना हो तो आप ये बॉर्डर की जगह जो है फ्रिल बना सकते हैं। फ्रिल जो है मेरे चैनल पर मैंने काफ़ी जो है पैटर्न्स वो मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं, उनके जो लिंक्स हैं वीडियोज़ की वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। तो अब ये मैंने आपको सारा बता दिया है कैसे करना है, तो इसकी फाइनल जो एक मेजरमेंट आती है वो मैं इसको पूरा फिनिश करके बताती हूँ। तो मुझे ये स्लीव्स जोड़ने हैं यहाँ से यहाँ तक, और दोनों स्लीव्स जोड़ने हैं, उसके बाद बटन लगाने रह गए हैं एक बटन पट्टी पे, तो मैं ये आपको अब पूरा फिनिश करके ही बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है मैंने ये सिलाई करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये देखिए दोनों बाजू जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल दिए हैं, और उसके बाद बटन्स मैंने लगा लिए हैं, और इसके बाद ये पूरा कार्डिगन जो है बनके इस तरीके से तैयार हुआ है ऐसे। ये देखिए रॉन्ग साइड भी पूरी भरपूर है इसकी, ये तो आपको अगर पसंद आया हो ये वाला स्वेटर का कार्डिगन का डिज़ाइन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो है मैंने एक ही साथ जो है आपको दो कार्डिगन्स जो है वो बनाना बता दिया है, और अब इसकी जो है फाइनल में मेजरमेंट आपको बता देती हूँ सिलाई के बाद कितनी है। तो यहाँ पे रखेंगे ये देखिए, यहाँ पे मैं नेक के साथ शोल्डर में रख रही हूँ, तो ये देखिए ये 16 इंचेस इस तरीके से लंबाई आती है इसकी, और जो स्लीव्स है वो यहाँ पे रखने के बाद देखिए यहाँ पे नेक के साथ रखने के बाद ये हमारी 15.5 इंचेस इसकी लेंथ आती है, और यहाँ से यहाँ हमारी देखिए 10.5 इंचेस की लेंथ आती है। चौड़ाई देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे रखेंगे हम तो ये 11 इंचेस हल्की सी ज़्यादा आ रही है, 11.5 इंचेस, तो 11.5 इंच की जो है लगभग इसकी जो है ये लेंथ सॉरी चौड़ाई आ जाती है। और जो बाजू की जो मैंने आगे यहाँ पे बॉर्डर है इसकी भी चौड़ाई बता देती हूँ, ये आ जाती है लगभग 3 इंचेस बॉर्डर की, बॉर्डर के ऊपर बीच में रखने के बाद 4.5 इंचेस लगभग इसकी चौड़ाई आ जाती है इस तरीके से बनाने के बाद। तो इस तरीके से स्टॉकिनेट स्टिचेस में जो है सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनने के बाद भी जो है थोड़ा सा ये फंदे खुलते हैं, तो ये इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप जो है हल्का सा कोई स्टिकर लगा सकते हैं अगर अवेलेबल हो, या बो बना के आप लगा सकते हैं, टेडी फेस आप एक साइड बना के लगा सकते हैं इसमें, अगर इसे आपको और भी मॉडिफाई करना हो अच्छा बनाना हो तो इस तरीके से कुछ एडिशनल इसमें कर सकते हैं क्रिएटिविटी। तो ये देखिए, तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे बहुत ही पसंद आया है, ये मैंने पहली बार यूज़ किया है, ये मैरून कलर है और ये जो है बीज कलर है, स्किन कलर दोनों जो है बेबी पूल में मुझे कलर्स मिले थे, और ये आई थिंक 200 से लगभग जो है 200 ग्राम जो है बेबी सॉफ्ट वूल से जो है ये बनके तैयार हो जाएगी। तो आप 250 ग्राम जो है ले सकते हैं खुली ऊन, और उसे 10 नंबर की सिलाई पर ही बनाना है, पूरा का पूरा कार्डिगन 10 नंबर की सिलाई पर ही बनाना है। तो इस वाली कार्डिगन को जो है मैंने आपको बनाना बताया था, ये देखिए डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आता है आपका फ्रंट और बैक में, इसमें मैंने प्लेन बना के ये बना के चिपका दिए थे, और इसमें जो है मैंने पैटर्न को बना के इसमें जो है ये इस तरीके से कंप्लीट किया है। तो एक ही वीडियो में जो है आप दो तरीके की ये स्वेटर्स बनानी सीख सकते हैं।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपका फेवरेट है, कौन सा आपको पसंद आया है, नेक योक का डिज़ाइन पसंद आया है, पैटर्न पसंद आया है, या आपको ये टेडी फेसेस पसंद आए हैं, तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आगे भी मेरी वीडियोस जो हैं वो देखनी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।